केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम 2024 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। डेटशीट के मुताबिक CBSE बोर्ड के एग्जाम 15 फरवरी 2024 से शुरू होंगे। एग्जाम शुरू होने में सिर्फ अब 2 हफ्ते बाकी हैं और अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर और परीक्षा संगम.cbse.gov.in पर जारी किए जाएंगे। खबर है कि CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड फरवरी 2024 के पहले हफ्ते में जारी किए जाएंगे। छात्र अपने स्कूलों से परीक्षा का एडमिट कार्ड ले सकते हैं, जिस पर छात्र का नाम, क्लास, रोल नंबर जैसी कई अहम जानकारियां लिखी होती हैं। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी परीक्षार्थी की एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं होगी। बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच जारी किए जा सकते हैं। बता दें कि रेगुलर और प्राइवेट छात्रों के लिए एडमिट कार्ड अलग अलग जारी किए जाएंगे। CBSE के रेगुलर छात्र प्रवेश पत्र अपने स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट स्टूडेंट्स को CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 13 मार्च तक है और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक चलेंगी। आप इन आसान टिप्स के जरिए ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। चलिए जानते हैं। CBSE के आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं। यहां 12वीं और 10वीं परीक्षा 2024 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन नंबर आदि दर्ज करके सबमिट करें। हॉल टिकट स्क्रीन पर आ जाएगा। परीक्षा देने से पहले ये सभी गाइडलाइंस जरूर जान लें। सुबह 10 बजे के बाद किसी भी छात्र को एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए छात्रों को परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना होगा। छात्रों को एग्जाम हॉल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टूल जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच वगैरह ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सेंटर पर छात्र अपने CBSE एडमिट कार्ड की एक हार्ड कॉपी जरूर लेकर जाएं। साथ ही अपनी स्कूल ड्रेस पहनकर जाएं और स्कूल का आई कार्ड भी लेकर जाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की सभी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।